फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और लगभग 6:45 बजे हैं सुबह के, और तैयारी है घर का एक ज़रूरी काम निपटाने की। ये जो यूनिफॉर्म पहनी ना मैंने, ये ओली वाली है, ये इसलिए पहनी क्योंकि थोड़ा सा काम धूल मिट्टी का ही करना। धूल मिट्टी के काम में थोड़ा पुराने से कपड़े पहनने। फिलहाल अभी देखो कौन कौन जगह, चाचा जी जगह, पिताजी जगह और माँ जी जगह, और चौथा आदमी मैं हूँ भाई। चाची जी ने जगाया मुझे, तो एक काम है छोटा सा। वैसे तो देखो छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, अब लगभग 1 हफ्ते की छुट्टी बची, और उसमें से काम इतने सारे बच रहे, कुछ घर के हैं कुछ बाहर के हैं, मुझे लग रहा कि काम ही निपटाते रहेंगे और छुट्टियाँ ऐसे चली जाएगी। तो घर का एक छोटा सा ज़रूरी काम आज निपटाना है। सबसे पहले एक छोटी सी बिटोड़ी है हमारी, जैसे हमने एक बिटोड़ा पहले बांधा था ना, उपलो का जो ढेर हुआ है जिसे हम कह रहे हैं, उसे फूस से कवर किया था पिछली बार, तो उससे छोटा एक और तैयार है दूसरा, उसे भी बांधना। बरसात आने वाली है, ईंधन हमारा भीग ना जावे, स्टोर कर रखा उसे कवर करना है। और वही जाओगे, पिताजी जाओगे, चाचा जी और मैं तैयार हो लिए। हाँ, एक कपड़ा सोर ले लूँ सर पर रखना, क्योंकि धूप तेज हो गए, तो धूप से बचने के लिए सिर को भी कवर कर लेंगे, गर्मी हो गए। आधी तो तैयारियाँ कल से ही कर ली थी पहले से ही, क्या बोला, फूस ले जाकर रख लिया था वहाँ पे, लकड़ी डंडी वे सब रख लेते, कोटी काटने के लिए जो डंडियाँ होती है वे रख ली थी, अब केवल रस्सियाँ लेनी है। चाचा जी ने ली रस्सी और हम चले। सीढ़ी छोटी सी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, अभी थोड़ी हमारी यह 3-4-5 डंडों की सीढ़ी है छोटी सी, लाओ मैं ले लूँ, इससे ही काम हो जाएगा। छोटी सी भी थोड़ी है हमारी, तैयार हो गए भाई। देखो मैं चाचा जी, तो पथवारे में पहुंच गए भाई अपने, पथवारा गए हमारे हमारी भाषा में पथवारे, जहाँ पर गुस्से पाते जहाँ सबके बिटोड़े हुए हैं, सारे पथवारे में देखो कितने सारे बिटोड़े हैं, ये मेरे चारों तरफ इतने सारे बिटोड़े हैं, और इतने सारे बिटोड़ों में तो बहुत कम बिटोड़े ऐसे रह रहे जो बंधे नहीं अभी, नहीं तो ज़्यादातर कवर हो ही रखे। और हमारा एक छोटा सा बिटोड़ा, बिटोड़ी जिसे हम कहते हैं, केवल ये है 7-8 फीट ऊंची होगी, ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं है इसकी, तो ये वाली बिटोड़ी बांधनी, वो रख रखा उधर फूस, और ये ले आए हम रस्सियाँ, और इस ईंट से खूंटियाँ, लकड़ी की जो खूंटियाँ हैं वे गाड़ के इसी में, और रस्सी बांध के फूस लपेटते रहेंगे। इस तरह से हमारा ये बिटोड़ा बन जाएगा आज, ये भी काम निपट जाएगा। पहले तो ये बचा हुआ फूस अपना इस बिटोड़े के चारों तरफ रख लेंगे, क्योंकि जिस तरह ये हैं खूंटियाँ लकड़ी की, गाड़ी जाएंगी इसमें, चारों तरफ फूस रख लेंगे, जिस तरफ भी रस्सी जाती रहेगी उधर से ही उठा कर लगाता रहूँगा। तो चलो भाई सीढ़ी रखते हैं अपनी, सीढ़ी की तो बाद में ज़रूरत पड़ेगी, ये रख दी यहाँ पर सीढ़ी, सीढ़ी की बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा फूस, नीचे के 1-2 राउंड तो हाथ से ही लग जाएगा। और इससे पहला जो बिटोड़ा हमने बांधा था ना अपना, वो ये वाला था आम के पेड़ के पास, बढ़िया लग रहा है ये भी बंधा हुआ। और इनके आसपास अगल बगल पड़ोसियों ने तो देखो थावड़े बना के, कुछ लोग की तोरी भी बो दी, बेले चढ़ जाए इन पर, ये थावड़े बना रखे हैं, बेले चढ़ जाए तो इन पर लोग की तोरी भी काफ़ी लगे हैं। चलो शुरुआत करते हैं अपने बिटोड़े बांधने की। सूर्य देवता भी निकल आए, मैं तो सोच रहा था कि धूप होने से पहले पहले बांध देंगे इसे, लेकिन यहाँ तो सामने से सूर्य देवता सीधे लग रहे बिटोड़े पर, तो बढ़िया धूप और गर्मी लगने वाली है आज। कुछ एक आधा पुड़ेंगे भी रख लेंगे चाचा, इंगे भी रख लेंगे एक आधा, मगर अगर उंगा तो ही पकड़ा दोगे। नहीं वो लगा लो बढ़िया, बोला पीछे खुला एक और जो बचेंगे कोई कोई और खा लगा, ये घर पे जा रही है उसमें उसमें इधर गाड़ दी खूंटी है, और चाचा जी ने पकड़ ली रस्सी, थोड़ा थोड़ा सा फूस ले गए मैं इस तरह रखता रहा अम्मा, और रस्सी से होकर रोता रहेगा, बीच बीच में खूंटी गाड़ते रहेंगे, और 3-4 राउंड आओगे बस बिटोड़ी बन जाएगी हमारी। 2 राउंड पूरे हो चुके इसमें, देखो एक लाइन ये पूरी होगी, दूसरी ये पूरी होगी, और धीरे धीरे इसमें फूस लगाते जा रहे, चोटी तक चला जाएगा, बस 1 राउंड हो रहा होगा, 3रा शुरू होगा, ये 4 ग्राउंड में अपना बिटोड़ा ये बन जाएगा पूरा।
एंड फाइनली बिटोड़ा हमारा बिटोड़ी कह लो बिटोड़ा कह लो बन गया। देखो कितना सुंदर लगा, सज सी गया बिल्कुल और फूस कुछ बच भी गया हमारा। यूँ हमें लग रहा था कम ना रह जाए लेकिन पर्याप्त रहा, थोड़ा बच भी गया और ऐसा बन रहा बिटोड़ा। देखते देखते माँ भी आ गई थी यहाँ पे, बचा हुआ फूस तो यहीं छोड़ देंगे और सीढ़ी लेकर और चलेंगे गाँव में। आगे रख दी घर पे और सुबह सुबह बढ़िया पसीना ले लिया। आज तो देखो एक बार तो कपड़े भीग गए पसीने में और आरुषि को ना आज मैं सोता हुआ छोड़ गया था। देखो क्या कह रही आरुषि बेटा, अपने आप आगे तो उठका है ये आपकी मम्मी लाई गोद में है आपको आ गई थी। ठीक नंदू तो सो रही होगी अभी, चलो आपको भी सोना हो तो अंदर लेट जाओ, पंखा चला दूंगा और सोना। ठीक है तो आड़का सुतर गया बताओ भाई। और फ्रेंड्स आज ज्येष्ठ महीने का दशहरा भी है, दशहरे पे हमारे यहाँ पूजा होती है, पूड़े बनाए हैं माँ जी ने। और पूजा जो होती है ना दरवाजे पे होती है, बाहर दहलीज पे, तो पूजा करेगी प्रीति और माँ जी ने तैयारी कर दी, तब तक पूड़े बना के रख दिए। दिया भी जला रहा है? नहीं दिया नहीं जला रहा। कैसे पूजा करें माँ? लोटे में पानी लेंगे, दिखता है ये दाल दर गए पूरा नहीं, पूरा तो नहीं मेरे ध्यान नहीं। मैंने तो पूजा भी नहीं, दो साल से तो मैं वही थी, पैर आई थी जब पूजा करा था। शुक्र है वो नहीं पैर आई थी, इतनी गर्मी है आप तो बुरा हाल हो जाता, और साल से ज़्यादा गर्मी है। मैं भी कल यही सोच रहा था कि जितनी गर्मी हम दो साल से जून की छुट्टियों में बहराइच गए, अगर उतनी गर्मी उस साल हो जाती या इस साल जाना पड़ जाता तो बुरा हाल होता। तो दशहरा पूजने की तैयारी कर ली भाई, पूड़े ले लिए और दाल, तीन तरह की दाल ले ली है, हल्दी है, आटा है और दिया लगाएंगे नहीं, थोड़ा सा गोबर से लीप के और उस पर पूजा जाएगा। पानी, पानी का लोटा भी तो जाएगा। अच्छा पानी का लोटा पहले ही लेकर रख लिया इधर। और दशहरे की ये जो पूजा होती है ज्येष्ठ का दशहरा, ये पूजा होती है दरवाजे में दहलीज पे। तो दहलीज पे भैया पानी डाल दिया था सबसे पहले तो, और थोड़ा सा गोबर लीप दिया यहाँ पे। और ये पूजा हुआ जो ये गुलगुले हैं पूड़े हैं, ये इनके नाम के ही हैं, लालू और केसरिया के नाम के। लालू और केसरिया पहले ही आ गए, खुशबू आ गई ना पूड़ों की, आज दिन के मजे आ जाएंगे सारे गांव में। तो पूछ तो लेने पहले ही कहा है। तो गोबर लीपने से भाई पवित्र हो जाएगा धरती, ये मन में जाएगा हमारे गौ माता के गोबर से। धड़ बन गया, पैर बन गए, सिर बन गया, हाथ बना दो, ये प्रतीक हो गया। जिन देवता की भी पूजा हो गई और अब इनकी पूजा करेंगे। और ये सारी दाल जितनी तरह की भी है ऐसे रख रहे हैं, और अब पूड़े रख देंगे इनका और पानी करा देंगे। ऐसे तो माता भी पूजा करें, माता का तो वहाँ पूजा है, होली पूजा करें इसको। अच्छा माता नहीं होली पूजा इसको, देख लो बैठ गए इंतजार में। मिट्टी दिन में वेट कर रहे हैं, देख लो पता लग गया ना तो वहीं मिलेंगे।
जीम लेंगे तो आपको इन्हें कहने की जरूरत है। ये लो दोनों जीम लियो, और कोई सा हो तो उन्हें भी बुला लियो। क्या कह रही नंदनी? अभी कौन सा महीना चल रहा है बताओ? जून चल रहा। इतने दिन जब तक ना मेरा बर्थडे ना आवे जब तक मैं नोएडा होऊंगा। नहीं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अभी जून चल रहा, इसके बाद जुलाई आएगी, और जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त में आपका बर्थडे आ जाएगा। बस दो महीना इंतजार करो आप। कितना परेशान हो रही नु करी मैनू ननू ना कह करो, बस इंतजार करो, रोज रोज ना पूछा करो। हाँ देखो आरुषि ननू को तो खिला दिया खाना 5 किलो। आरुषि अभी सॉरी, आरुषि को जगाऊंगे। ये लिया ठीक करा। अब के पूछो ना, 2 महीने रह रहे, ठीक है? आरुषि खाना खा रही और नंदिनी इसके लिए पानी लाई। और जब से ये बीमार हुई ना दोनों, पहले नंदिनी को बुखार हुआ, फिर आरुषि को क्या हो रहा था? 101 बुखार हो रहा था। ओ माय गॉड, 103 तक भी गया आपका बुखार तो। जब भाभी जी के घर गई थी। अच्छा भाई, इसका आरुषि का ज्यादा हो रहा था, डायरिया हो गया था इसे तो, और बुखार भी हो गया था। पहले आई थी वो जब बीमार होती, अब तो ठीक हो गई है, और देखो कितनी कमजोर सी होगी। आप भी ठीक हो गए, आरुषि भी ठीक होगी वैसे तो, लेकिन कमजोर देखो कितनी होगी। देखिए आरुषि ऊपर, वो कैसे कमजोर सी होगी मेरी आरुषि। देखो भाई गर्मी ज्यादा है। पंखा चला गया, फिर आवाज़ ज़्यादा आ गया इसमें, ठीक है? लो ज़्यादा नहीं बोला करते, ठीक है?